रोजाना लगभग 350 लोगों का भोजन रोज चेंज कर करके हम बांटते हैं। तो ये देखिए ऑयल गया अभी, तो रमेश को अच्छी तरीके से भून लिया जाए। हल्दी जा रही है तो जैसे अगर बाबा जी की रसोई में किसी को सेवा भाव करनी है तो वो कैसे करेगा और कैसे आपसे कांटेक्ट करेगा वो भी बता दीजिएगा। सबसे पहला तो अपना आशीर्वाद बनाए रखे, जहाँ भी है कि ये रसोई जो चल रही है निष्काम सेवा, जरूरतमंदों लोगों को भोजन कराने का काम आज 7 वर्षों से आप देख ही चुके हैं। पहला हॉस्पिटल जो कानपुर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, पूरा खाना दाल चावल सब्जी रोटी, और महीने में करीब 10 से 12 15 दिन जो होता है, बहुत से लोग ऐसे हैं जुड़े हुए हैं जिनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि जो अपने बच्चों का बर्थडे है, मैरिज एनिवर्सरी है या अपने बुजुर्गों की याद में वो एक दिन का भोजन देते हैं, तो उस दिन की काश राशि हमें देते हैं वो हमारे अकाउंट में यहाँ पर मोबाइल नंबर पर भेज देते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो आटा है, दाल है, चावल है, जो रिक्वायरमेंट, जैसे ये देखिए आप इधर देख रहे हैं आलू की बोरी भरी पड़ी है, ये आटे लगे हुए हैं, चावल लगे हुए हैं, तो ये सभी लोग, ऐसा नहीं कि देश में इंसानियत मानवता नहीं है, बहुत से लोग जुड़े हुए हैं। तो अंकल जी जैसे नंबर कोई बता दीजिए तो वो हम लोग मेंशन कर देंगे जिससे कि आपको वो कॉन्टैक्ट। मेरा नंबर है 7985465719 मानसिंह बट्टा जी। हाँ नमस्कार। तो आप जो ये रसोई चला रहे हैं वो कब से चला रहे हैं? और ये रसोई जो हमारी है सन 2016 से 13 अप्रैल 2016 को ये हमने चालू की थी। ये गुरुद्वारा नवाबगंज आप जानते हैं कानपुर में, हाँ, वहाँ से इस रसोई का संचालन गुरु साहब के घर से होता है। पहले एक साल तो हम गुरुद्वारे में ही शाम को, ताकि उस एरिया में कोई भूखा ना रहे, मन में आया कि कुछ ऐसा करें जिससे जन कल्याण हो। फिर बाद में जब हम यहाँ पर हैदर हॉस्पिटल आते थे, पहले उससे पहले तो देखते थे रोज लोग यहाँ पर इतने लगा लगा के गांव से आ रहे हैं, दूर से कोई झांसी है, उरई है, फैजाबाद, फिर कहाँ कहाँ से लोग बाराबंकी तक से लोग आते हैं, तो मन में आया कि कुछ इनके लिए करें। तो हमने भी यहाँ डॉक्टर साहब से मिले और उनसे परमिशन ली, डॉक्टर अर्पित गुप्ता जी थे, यशवंत राव जी थे, और ये पर यहाँ पर उन्होंने हमें जगह प्रोवाइड कराई। तो सब से हम यहाँ पर हैलक में रोजाना लगभग 350 लोगों का भोजन रोज चेंज कर करके हम बांटते हैं। तो ये आप कहाँ पे लाते हैं और कहाँ लगाते हैं और कितने बजे से लगाते हैं ये बता देंगे? नहीं, अभी जैसे देखा आपने कि यहाँ पर 2:15 बजे गाड़ी आ जाती है, 2 से 2:15 के बीच में होती है, क्योंकि क्वांटिटी में खाना बनता है, तो इसलिए है। वैसे पूरा ही हमारा संचालन जो होता है गुरुद्वारा नवाबगंज कानपुर में, अच्छा अच्छा, वहाँ पर हमारी रसोई है जहाँ से खाना बन करके, और ये जहाँ पर आप खड़े हैं बाल चिकित्सालय हैलक में। तो चलिए बढ़िया है सर जी, थैंक यू। जो प्रसाद है वो आज का बना है, छोला है, पूरी है, चावल है और बढ़िया रवे का हलवा है। तो चलिए चखते हैं और प्रसाद चखते हैं और वो हलवा। तो जैसे अगर आपको कोई सेवा भाव करनी है तो हम लोग ने नीचे आप स्क्रीन पर देख सकते हो नंबर आ रहा है, उस पर आप कॉल करिए और कॉल करके आप कॉन्टैक्ट करिएगा, तो आपको उस नंबर पे आपको जो भी सेवा भाव करनी है आप उस पर कर सकते हैं। तो बाकी हम इसे कंप्लीट करते हैं और मिलते हैं आपसे ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।